हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जो हमारा संबंधित है अभी जो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो मामला आया है संस्कृत को पढ़ाने के बीच में धर्म का, उसी से संबंधित है भारत की सीमा। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि विशेष योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति का विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए कि उसकी धार्मिक पहचान अलग है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय VHU में एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी भी संवेदनशील और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति को असहज करने के लिए काफ़ी है। गौरतलब है कि VHU में एक पूरी और लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सहायक प्रोफेसर के पद पर फिरोज खान की नियुक्ति हुई। इस पद पर बहाली के लिए उन्हें कई अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे ज़्यादा योग्य पाया गया था। कई बार किसी भाषा को जिस तरह एक सामुदायिक पहचान के साथ नथी करके देखा जाता है, उसमें फिरोज खान के रूप में संस्कृत विद्या धर्म विभाग विज्ञान विभाग में एक सक्षम अध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष उपलब्धि थी। लेकिन बेहद अफसोसजनक है कि सांस्कृतिक रूप से यह बेहतरीन तस्वीर कुछ लोगों को रास नहीं आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे कुछ छात्रों ने सिर्फ इस तर्ज पर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़ दिया कि कोई मुस्लिम व्यक्ति संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान की पढ़ाई कैसे करा सकता है। यह प्रथम दृष्टया ही एक दुर्भावना और दुराचार से भरा रवैया है कि किसी भाषा को एक खास धर्म के दायरे में कैद करके देखा जाए। सहायक प्रोफेसर के रूप में फिरोज खान को अन्य सभी अभ्यर्थियों के बीच सबसे योग्य पाया गया और इसी वजह से उसकी बहाली हुई है। इस तरह न सिर्फ संस्कृत भाषा के विद्वान होने के नाते बल्कि संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के नाते भी अपनी नियुक्ति वाले पद पर सेवा देना उनका अधिकार है। बाकी ऐसे सवाल सामाजिक विमर्श का विषय है कि एक मुस्लिम व्यक्ति आखिर संस्कृत में विशेषज्ञता हासिल करने का अधिकार क्यों नहीं रखता है। यो फिरोज बचपन से ही संस्कृत से अनुराग रखते हैं। उनके घर और आसपास आस पड़ोस तक में संस्कृत को लेकर ऐसा कोई आग्रह नहीं है। उन्हें मुसलमान होने के नाते संस्कृत नहीं जानना पड़ना है, लेकिन संस्कृत के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति को कुछ लोग स्वीकार नहीं कर सके। जबकि विभिन्न धार्मिक पहचान के बावजूद फिरोज खान की संस्कृत में विशेष योग्यता को न केवल सहजता से स्वीकार करना चाहिए था, बल्कि पारंपरिक जड़ धारणाओं के मुकाबले इसे भाषा के बढ़ते दायरे के रूप में देखा जाना चाहिए था। इसी संदर्भ में एक खबर आई कि केरल में एक ब्राह्मण महिला गोपालिका अंतर जन्म से ने एक संस्थान में 29 साल तक अरबी पढ़ाई। वह एक मुस्लिम संगठन ने 2015 में विश्व अरबी दिवस पर उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया था। इसके अलावा भारत में प्रेमचंद से लेकर हिंदू पहचान वाले ऐसे कई लेखक रहे हैं जिन्होंने उर्दू को अपने लेखन का जरिया बनाया था, लेकिन इससे उनकी स्वीकृति में कहीं कमी नहीं आई। यूं भी जिस तरह पिछले कुछ समय से एक भाषा के रूप में संस्कृत का दायरा सिकुड़ने को लेकर जैसी चिंताएं जताई जा रही हैं, उसमें कायदे से होना यह चाहिए था कि एक मुस्लिम पहचान वाले व्यक्ति के संस्कृत का अध्यापक बनने को इस भाषा और सद्भाव के प्रसार के तौर पर देखा जाता और खुशी जाहिर की जाती है। लेकिन इसके उलट इसे धार्मिक दुराग्रहों का सवाल बनाकर संस्कृत को एक खास धार्मिक पहचान में समेटने की अफसोसनाक कोशिश की गई। दुनिया भर में कोई भी भाषा किसी खास धर्म की पहचान में सिर्फ टिमटी नहीं है रही और ना ही होनी चाहिए, लेकिन कोई भाषा किसी भी वजह से एक समुदाय के दायरे में कैद रही है, उसके सामने अस्तित्व तब
का संकट खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा धार्मिक से संबंधित आर्टिकल।